अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHCT कराची की आज की अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला दिन था आज, बहुत अच्छा परफॉर्म किया मार्केट ने, इस लिहाज से कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेडिंग के लिहाज से, जो माल उठा हुआ है इन्वेस्टर्स के पास वो कटना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा माल कटा। लोगों ने अपने रेटों को थोड़ा सा, जो एकदम से ओवर रेट कर दिया था 116-117 पे येलो जोन का, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की, और जिसने कम में बाइंग की हुई थी उसने कम में प्लॉट अपने बेचना शुरू किए, होल्डिंग को ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद अच्छे रेटों में माल निकालना शुरू किया। बहुत ही मजबूत रहा 14B, तकरीबन 55-55-50 के पास, विला के पास आज भी माल मिलना मुश्किल था, मिल तो रहा था लेकिन यह कि अपने रेटों में मौजूद था। 6 से आज भी स्ट्रांग था, 6B आज भी स्ट्रांग था, 9A भी आज भी स्ट्रांग था। ये वो एरिया जो स्ट्रांग थे, बाकी इसके अलावा 9D, 10C, 10D, 12CD, इन्होंने अपने आप को लूज़ किया और तकरीबन 2-3 लाख रुपये तक लूज़ कर चुके हैं। हो सकता है शायद एक आध दिन में, दो दिन में ये 10 के आसपास ट्रेड होना शुरू हो। वो सेलर्स जो बहुत ज़्यादा सख्त हुए हुए थे और रोज़ बरोज रेट ही बढ़ाए जाते थे और बेचते नहीं थे, उस लिहाज से स्ट्रेटेजी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिहाज से तो कामयाब रही, ब्रोकर्स के लिहाज से, कि उन्होंने जब अपना परचेसिंग की जो पावर है और जो परचेसिंग की जो उनकी स्ट्रेटेजी जब उनको रोका, तो उसके बाद से सेलर आना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दो दिन मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रुकी थी, उसके बाद आज भी उसने थोड़ा सा 5-6 लाख रुपये रिवर्स लेना शुरू किया मार्केट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट है, ट्रेडिंग हो रही है, ठीक ठाक बायर मौजूद है। रोज़ के करीब का हर बंदा जो अच्छा काम करने वाला बंदा है वो 3-4 के करीब प्लॉट तो बेच ही रहा है रोज़, तो एक अच्छा फिगर है मार्केट में। DHCT कराची में कभी ऐसा नहीं होता, रॉकेट की तरह ऊपर जाने के बाद एकदम से मार्केट क्रैश करती है, ऐसा नहीं हुआ। लोग पूछते हैं क्या मार्केट क्रैश कर गई, नहीं जी मार्केट क्रैश नहीं की, एकदम से जब भी कोई मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है ना तो वो थोड़ा सा स्लंप लेती है नीचे ऊंचे ऊपर करके ना, तो वो थोड़ा सा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी नीचे आएगी। अच्छा साइन ये है कि मार्केट में बायर मौजूद है, एंड यूज़र मौजूद है, आज भी वो लोग जो बेयर डाउन में कमा चुके हैं वहाँ से कमा के वापस DHCT कराची में लेना चाहते हैं, उनको ये रेट हजम हो रहे हैं। 1,20,00,000 रुपये का उनको रेट समझ में आ रहा है। 6A की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेक्टर है, रेट उस लिहाज से नहीं बढ़े, 1,07,08,00,000 में तो वैसे ही ट्रेड होता था अच्छा प्लॉट 1,00,000 में, तो वो 1,24 से लेकर 1,30 तक चला गया, तो उस पर खैर बहुत ज़्यादा रेट बढ़े नहीं, तो वो एक अच्छा सेक्टर रहा। 14B में वैसी हैपनिंग्स होने जा रही हैं बहुत सारी, तो उसमें भी आज सच मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर यहाँ पे रुकेगा, जबकि 14A में ठीक ठाक सेलर होता है, उसके बावजूद अब वो अपने रेटों में स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर गया। अच्छी रही मार्केट, बहुत अच्छी रही मार्केट। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमें 1-2 महीने पेमेंट की ज़रूरत है और शायद हम अपनी प्रॉपर्टी को रोक लेंगे और फिर हमें आगे कोई अच्छी चांस मिल जाएगी, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अपने माल को बेचें, आसरा मत खाएं, अपनी चीज़ को बेचें। ये राइट टाइम है बेचने का, ये असल टाइम है बेचने का, अपनी चीज़ को बेचें। अगर कुछ गुंजाइश भी होगी ना उसके अंदर तो वो चीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए चली जाएगी, अदरवाइज़ पूरा जूस आप निकाल लेंगे तो हो सकता है शायद वो अभी मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि वकार भाई आपने कल वीडियो बना दी परचेजर के लिहाज से कि भाई सेलर के लिहाज से कि वो सेलर भाग रहा है या बदनीयती कर रहा है, तो बायर भी करता है, तो ये वो राइट टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ। बायर्स के साथ ऐसा अक्सर होता है कि वो चीज़ कोई 1,20,00,000 की परचेज़ कर रहे हैं, अब उन्होंने उसके ऊपर 10,00,000 बयाना दिया हुआ है और वो प्रॉपर्टी 1,20,00,000 से वापस 1,05,00,000 में आ जाती है, तो भाई इस हद तक ले जाने के बजाय अपने आप जो भी एग्रीमेंट्स करें उसमें ये पाबंद करें अपने ब्रोकर को, भाई ट्रांसफ़र उठाना लाजमी है। ये बायर की तरफ से भी, सेलर की तरफ से भी, बायर की तरफ से भी इश्यूज आते हैं कि वो पैसा छोड़ कर भाग जाते हैं और कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए, 5,00,000 बचाओ भाई अपने, 10,00,000 पर टोकन दिया होता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आपने दोनों साइड से सेलर और बायर, क्योंकि सर हम इखलाकी तौर पर बदनीयत लोग हैं पाकिस्तानी, तो उसमें होता ये कि हम लोग जो है ना बेचते वक्त भी बेईमानी करते हैं, खरीद तक भी बेईमानी करते हैं, और सिर्फ ब्रोकर हजरात नहीं करते, उसमें सभी लोग हैं शामिल, इंसान है ना सारे, इन्हीं इंसानों से निकल के ब्रोकर हजरात बने ना, तो ये सारे लोग हैं जो बेईमानी करते हैं और बेईमानी करने के बाद लोगों के साथ धोखा करते हैं, तो आप इस धोखे से खुद बचें, एग्रीमेंट में या किसी जगह पे लिखवाएं कि आप पाबंद हैं ट्रांसफर लेने के, उस ट्रांसफर की तरफ आप लोग जाएं। और इसके साथ साथ ये बात बताता चलूं कि हो सकता है शायद आगे जाने जितनी तेजी से रेट बढ़े हो सकता है रेट नीचे भी आ जाए, तो अपने आप को सेफ लेके चले, गुंजाइश रखें रेटों में, ताकि अगर कोई चीज़ बेची है तो वो ट्रांसफ़र हो सके, ये बहुत ज़रूरी होता है मामला। इसके अलावा मार्केट आगे कैसे दिख रही है, मुझे 3-4 साल के लिहाज से, मैं हमेशा बात करता हूँ DHCT कराची को, कभी भी मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात नहीं करता, मुझे तो वो लोग ही समझ में नहीं आते जो प्रॉपर्टी को लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी या तो कंस्ट्रक्ट करने की जगह होती है या तो इन्वेस्टमेंट 4-5 साल रखने के लिए जगह होती है, इसको लेई बेची की तरह खिलौनों की तरह घुमाने वाली ये जगह नहीं होती।
चार साल तक अगर आप कोई चीज सेव करते हैं, सिक्योर रखते हैं सिटी को, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मार्केट, मुझे आगे मार्केट बहुत अच्छी दिखती है, सेंटिमेंट्स वाकई पॉजिटिव हैं हर लिहाज से, मुझे आगे सेंटिमेंट जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी एक बंदे से मेरी बात हुई, वो गैर अखलाकी वाली बात हुई तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे कज़न से बात हुई एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, वो कह रहे हैं वकार भाई एक मसला है मार्केट में। मैंने क्या, कहता है यार वो काम बहुत है पैसा नहीं है मार्केट में। मैंने क्या बात कर रहा, पैसा तो पाकिस्तान में बहुत है। कह रहा नहीं मार्केट से पैसा गायब हुआ, आप DHCT कराची वाले हो, बैडोंग कराची वाले आप लोग हैं वो जिन्होंने पैसा गायब किया मार्केट से। तो मेरे जहन में क्लिक की बात, मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो हमारे यहाँ लोग बकायदा पेमेंट करने के बजाय प्रॉपर्टी में ट्रांसफर लेते हैं, दो तीन महीने घुमाते हैं लोगों की पेमेंटों से, वही बदअखलाकी वाली बात, अनएथिकल वाली बात, और फिर उसके बाद उसको बेच के फिर दोबारा अपनी पेमेंट करते हैं। तो भाइयों मेहरबानी करें, इन कामों से बचें, ये ले बेची वाले मामलों से, शॉर्ट टर्म बेनिफिट से बचें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, चार पाँच साल के लिहाज से बहुत अच्छी है मार्केट। जज़ाकअल्लाह खैर।